वैद्याज किचन शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम चने दाल की सब्जी बनाएंगे। कभी हमारे यहाँ हरी सब्जी नहीं होती है या हम हरी सब्जी खा के बोर हो जाते हैं तो लगता है कुछ अलग नया खाएं, तो एक अच्छा ऑप्शन है, आप चने दाल से टेस्टी सब्जी बना सकते हैं। तो ये चना दाल है। 250 ग्राम चना दाल को हम 2 से 3 घंटे तक भिगो कर रख देंगे, या तो आप इसे पूरी रात भिगो के रख सकते हैं। ये अच्छे से भीग चुका है। अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा, 6-7 काली मिर्च, 3 सूखी लाल मिर्च डालेंगे, 2 पिंच हम हींग डालेंगे और स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे और इसे पीस कर इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट हम ज़्यादा गीला नहीं पीसेंगे। अब हम मसाले की तैयारी करेंगे। तो मसाले में 1.5 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 2 प्याज, 1 फुट लहसुन डालकर मसाला पीसकर तैयार कर लेंगे। चना दाल का पिसा हुआ पेस्ट में हम 1 चम्मच हल्दी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल से आप जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करें, और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है आपका तहे दिल से धन्यवाद। कढ़ाई में हम 2 चम्मच सरसों तेल लेंगे। उसे गरम करके जो चने दाल का पेस्ट तैयार किए थे इसे हम इसमें चाड़ेंगे। यह सब्जी झारखंड का ट्रेडिशनल सब्जी है। जब कोई गेस्ट आते हैं तो यह सब्जी बनाया जाता है और इसका नाम रामरुच है। हमारे यहाँ इसे रामरुच कहते हैं। तो ये अच्छे से चढ़ा गया है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। तो इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हाथों में तेल लगाकर इसे अच्छे से हम गूंथेंगे। तो इस तरह से अच्छे से हम इसे मैश करेंगे और इसे हम सॉफ्ट करेंगे और हाथों में लेकर इसे गोल गोल लड्डू के जैसे तैयार करेंगे। इस सब्जी को आप अपने किचन में एक बार ज़रूर ट्राई करें और इसका टेस्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है रामरुच की सब्ज़ी आपको बहुत पसंद आएगी। इस तरह से सारे लड्डू हम बनाकर तैयार कर लेंगे और थोड़ी देर इसे हम सेट होने देंगे। सब्जी अगर जल्दी बनानी हो तो इसे कुछ देर आप फ्रिज में रख दें तो यह जल्दी सेट हो जाएगी। अब इसे इस तरह से हम कट करेंगे। तो हम 4 भाग में इसे काट लेंगे। सारे लड्डू को इस तरह से काट लेंगे। अब इसे हम तेल में फ्राई करेंगे। इसे आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। इसे हल्के हाथों से हम पलट लेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई हो चुका है तो इसे तेल से निकाल लेंगे। बाकी बचे हुए को भी इसी तरह हम फ्राई करके रख लेंगे। अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। उसी कढ़ाई में हम सरसों तेल गरम करेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 2 पिंच हींग, 2 तेज़पत्ता डालेंगे, कटे हुए 2 प्याज डालेंगे और उसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। बिना प्याज लहसुन का भी यह सब्जी काफ़ी टेस्टी बनती है। प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है तो कटे हुए हम टमाटर डालेंगे और इसे भी अच्छे से हम भुनेंगे। कुछ सूखे मसाले डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। टमाटर के साथ मसाले को अच्छे से हम भूनेंगे। जो मसाला पीस के तैयार किए थे, जीरा, काली मिर्च, प्याज, लहसुन का पेस्ट, वो पेस्ट हम इसमें डालेंगे। इस मसाले को भी हम तेल सेपरेट होने तक अच्छे से भूनेंगे। इस सब्जी में हम और कोई भी मसाला नहीं डालेंगे। बेसिक मसाले से ही यह सब्जी काफ़ी टेस्टी बनती है। स्वाद अनुसार हम
नमक डालेंगे। कश्मीरी मिर्च 1 चम्मच डालेंगे, इससे सब्जी का कलर अच्छा आएगा। मसाला भुन चुका है तो अब इसमें हम पानी डालेंगे। अब ग्रेवी के अनुसार पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हम 3 गिलास पानी डालेंगे। यह सब्जी चावल के साथ बहुत स्वादिष्ट लगती है। ग्रेवी को हम उबाल आने तक पकाएंगे। उबाल आ चुका है और ग्रेवी बनकर तैयार है, तो घी और तेजपत्ता से हम इसका तड़का लगाएंगे। इससे सब्जी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। रामरुच जो हम फ्राई करके रखे थे उसे इसमें हम डाल देंगे और टेस्टी रामरुच की सब्जी बनकर तैयार है। धनिया पत्ती से हम गार्निश करेंगे। इस सब्जी को जब आप सर्व करना हो तभी रामरुच ग्रेवी में डालें, पहले से नहीं डालें। पहले डाल देने से सारा रामरुच ग्रेवी को सोख लेगा। तो आप ग्रेवी और रामरुच बनाकर तैयार रखें। जब गेस्ट आए तो आप इसे गर्म करें और सर्व करें। तो टेस्टी रामरुच की सब्जी बनकर तैयार है। गर्मा गर्म इसे आप इंजॉय करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।